हेलो, संडे द सरप्राइजिंग शो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज स्पेशल वीडियो है कुकिंग के ऊपर, तो घर पर बनाएंगे मसाला डोसा मेरे साथ। तो हम लोग सांभर के लिए मटेरियल ले रहे हैं। यहाँ पे उड़द दाल है, चना दाल है, मसूर दाल है। मैंने यहाँ पे इसे मेजर करने के लिए एक बाउल लिया है। आप चाहे तो इसके दो बाउल भी ले सकते हैं। अब दाल के बाद सब्जियों की बारी है। सब्जियाँ तो ये टमाटर है, हरी मिर्च है, प्याज मैंने लिया है बारीक कटे हुए, सारे चीज़ है। उसके बाद मैंने गाजर लिया है। आप चाहे तो और भी सब्जियां मिला सकते हैं। सांबर जो है बिना मसालों के अच्छी नहीं लगती है, तो सांबर मसाला कोई सा भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, पाउडर वाला। उसके बाद इसमें मैं मिक्स करूँगा थोड़ी हल्दी, गरम मसाले और मिर्ची पाउडर। तो ये रहे गरम मसाले, इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे इसमें, उसके बाद हम लोग हल्दी डाल देंगे। तो मैंने सारा चीज़ मिक्स करके रखा हुआ है पहले से, तो आप ये देख सकते हैं। अब ये सारे मटेरियल को हम लोग प्रेशर कुकर पे कुक होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, जो जितनी सब्जियाँ हैं ये सारे सब्जियों को मैंने इसमें डाल दिया, और जितने मसाले हैं उसको भी डाल देंगे इसी में, और फिर जाके हमारा जो कि सांभर है वो बहुत ही डिलीशियस तैयार होने वाला है। तो इसे लगभग हमें 15 से 20 मिनट तक के लिए कुक करना है। और अगर सब्जियां अच्छे से गल जाती हैं तो आप पहले भी हटा सकते हैं, अगर नहीं गलती हैं तो आप थोड़े देर और छोड़ सकते हैं, जैसा कि दाल या तड़के के केस में होता है। डोसे के मसालों के लिए आलू मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे अच्छे से बॉईल कर ले आप, ताकि ये बहुत ही नरम हो जाए। उसके बाद इसे पील आउट कर ले और फिर हमें इसे स्मैश करना है। और इसमें अब हम लोग प्याज, हरी मिर्च, गाजर, जो भी आप चाहे मसाले कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च ले रहा हूँ, और सांभर वाले में से मैं थोड़ी गाजर चुरा लूँगा, इसको इसमें यूज़ कर। थोड़ा सांभर को चेक कर लिया जाए। हाँ, ये तो अभी इसमें टाइम लगेगा, तो मैं इसे और बंद करके छोड़ देता हूँ। बारी है चटनी की, जो कि चने दाल और मैं नारियल की बनाने वाला हूँ। तो मैंने थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च लिया है, इसे मैं इस कढ़ाई पे फ्राई करूँगा। थोड़ी देर बाद जब इसमें भुना हुआ स्मेल आने लगेगा, बहुत ही टेस्टी, उसके बाद हम लोग इसको मिक्सर में मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा आप इसको ऊपर नीचे कर ले थोड़े देर। तो अब ये भुना चुका है, ये देखिए आप, नारियल छोटा सा ही मैंने लिया है क्योंकि ये ड्राई वाला है। अब इसको मिक्सर में थोड़ी पानी को मिक्स करके एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो अब ये हमारा चटनी तैयार हो चुका है। तो ये अभी थोड़ा गाढ़ा है, अगर आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से तो थोड़ा पानी आप और ऐड कर सकते हैं। तो हमारा आलू मसाला भी अब रेडी है। इसके बाद आती है बात डोसे की। तो डोसे के लिए हमें ये चूड़ा थोड़ा सा चाहिए होगा, क्योंकि इसे हमें मुलायम और नरमदार करना है। और ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको मिक्स करने वाला हूँ। हमारा जो चावल, उड़द दाल और चना दाल पहले से ही मिक्स किया हुआ था। मैं यहाँ पे अरवा चावल लिया हूँ, मैंने ये मैंने कल ही मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड करके रात में रख दिया था, ताकि ये सुबह तक बहुत ही फर्मेंटेशन के साथ ये बहुत बेहतरीन हो जाए, और आपकी जो डोसा है वो बहुत ही मुलायमदार और बहुत ही अच्छी क्रंची भी बन सके। तो ये चूड़ा का जो पेस्ट है, मैं इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ी पानी मिलाकर इसे और पतला कर सकते हैं, या चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग डोसा बनाने की विधि को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें थोड़ी पानी की सीटें मारेंगे, ताकि तवा जो है वो चिकना ना रहे, इसकी चिकनाई हट जाए। और फिर एक कपड़े से इसे थोड़ा सा इसे पोंछ लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें डोसा बनाने की विधि को स्टार्ट कर देंगे। क्या है कि मैं घर पे बना रहा हूँ, तो कटोरी से ये अच्छी और पतली नहीं बन पाती, इसलिए मैं इस चम्मच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हम लोग कर करके राउंड राउंड करके इसको एक अच्छा शेप दे देंगे, तो ये काफ़ी बेहतरीन और पतला सा एकदम डोसे वाला टेस्ट आ ही जाएगा इसमें। जब ये थोड़ा पकने लगेगा, तो इसमें हम लोग थोड़ी सी ऑयल डालेंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छे आसानी से उखड़ जाए। उसके बाद थोड़े कटे हुए प्याज डालेंगे, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो। अब जो हमारा ये मसाला है, आलू मसाला, इसको हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो थोड़ा भी आलू ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, सबके अपनी अपनी टेस्ट होती है। तो जिसको जितना पसंद है भाई, उतना आलू डाल लो, घर का है, क्या दिक्कत है। तो ये देखिए, डोसा कितना बेहतरीन और
लजीज दिख रहा है, ये तैयार हो चुका है हमारा। आप चाहे तो इसे कोई सा भी शेप दे सकते हैं, मैंने इसे ट्रायंगल शेप दिया है। चलिए मैं एक दूसरा आपको दिखाता हूँ, ये दूसरा वाला जो है मैं इसे दूसरा शेप देने वाला हूँ। तो ये उतनी अच्छी अभी तो नहीं दिख रही है, पता नहीं ये कितनी अच्छी बनती है। चलिए इसमें फिर से वो सारी चीज़ों को डालकर हम लोग देखते हैं कि इसका कलर कैसा आता है, और ये जो डोसा है वो पहली वाली जो डोसा है उससे अच्छी बनती है या फिर। तो इसे पलट दे, फोल्ड कर दे, तो इसे मैंने लंबा वाला शेप दिया है। अब इसे आप देख ले, तो अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे ट्राई करें या इसके पहले वाले को बनाएं। तो आपके सामने बेहतरीन डोसा तैयार है। ये है हमारा सांभर, देखिए कितना लजीज और कितना डिलीशियस है। ये हमारा चटनी है और ये रहा आपका बेहतरीन डोसा। तो आप इसे घर पर बनाइए, लोगों को खिलाइए। अभी लॉकडाउन है, आप टेस्टी टेस्टी डिशेज घर पर बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले संडे। तो कुछ नया के लिए सब्सक्राइब अभी कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे।